अपने टॉपिक जो कि है हमारा मनी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मनी है ये एक्चुअली में है क्या, मतलब हम किसको देख के कहें कि ये मनी है। अब भाई ऐसे हमने एक पेज लिया, उस पेज में लिख दिया 50 रुपए, गांधी जी की फोटो लगा दी, ऊपर लिख दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या वो मनी हो गई? उसको हम लोग मनी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे उसको मनी। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो उसको कोई एक्सेप्ट करेगा? अगर आप कुछ सामान लेने जाओ 50 रुपए का और बदले में आप वो नोट किसी को दो, वो पेपर नोट जो आपका है वो किसी को दो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, लोग मना कर देंगे कि ये नहीं लेंगे भाई, पैसे लाओ। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो मेरा पेपर नोट है वो पेपर नोट हमारा मनी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें डिफाइन करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मनी मेरी होती क्या है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं मनी की। A thing which is commonly used as a medium of exchange is called money. हमारे बहुत सारे philosophers थे जिन्होंने money के ऊपर अपनी अपनी definition दी थी। उसमें से एक philosopher ने अपनी क्या definition दी है कि जो money है हमारी वो हमारा एक common instrument है, यानी common सी चीज है जो कि लोग generally accept कर लेते हैं as a medium of exchange. Medium of exchange का मतलब हो गया कोई भी सामान के लेन देन के बदले में हम मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भैया मार्कर लेने अगर मैं जाता हूँ तो मार्कर लेने के लिए क्या करेंगे भाई? दुकानदार के पास गए, भैया मार्कर देना, ठीक है, उसने हमको एक मार्कर दिया, हमने उसके लिए उसको 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए जो भी उसका अमाउंट था वो मैंने उसको पे कर दिया। तो मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे सामान दे दिया। मुझे शर्ट लेने जानी है, मैं गारमेंट स्टोर पे गया, मैंने शर्ट ली, उसको पैसा दे दिया। मुझे जीन्स लेनी है, मैं जीन्स मैंने ली, उसको पैसा दे दिया। मोबाइल फोन्स लेने, मैंने मोबाइल फोन खरीदा, उसको बदले में पैसा दे दिया। तो हर कोई जो पर्सन है वो एक्सचेंजमेंट एक्टिविटी के लिए या ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए क्या करता है, एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है और उस कॉमन इंस्ट्रूमेंट का नाम है मनी। ठीक, अब ये जो मनी है ये जनरली एक्सेप्टेबल क्यों होती है, मतलब क्या रीजन है कि इसको सब लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई मना करता ही नहीं कभी, मतलब पैसों को तो कोई ना करेगा नहीं। अगर हम आपसे कहें कि मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ, लाओ लाओ लाओ, अगर मैं मांग लूं 1000 रुपए दे दो, नहीं आई नहीं यार, कहाँ मेरे पास, काम गरीब है, कहाँ मेरे पास होगा। तो मनी कैसे मनी हो जाती है? तो किसी भी पेपर नोट को हम लोग मनी तब कहेंगे जब गवर्नमेंट उस पर स्टैंप लगा दे, जब उस नोट पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होंगे, तब वो जो मेरा नोट है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा मनी। यानी आप किसी भी पेपर के ऊपर अगर आप 50 रुपए लिख दोगे तो वो मनी नहीं कहलाएगा। मनी वो तब कहलाएगा जब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देगी, गवर्नमेंट उसको बोल देगी कि हाँ हम साइन करके देते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये 50 रुपए धारक है। जैसे आप उन्हें नोट देखा होगा, कोई भी पेपर नोट आपने देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि मैं लेन देन वाले को या लेने वाले को या देने वाले को 50 रुपए अदा करने का वादा करता हूँ, या आई विल प्रोमिस टू पे 50 रुपीज, इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। तो वो क्या है, गवर्नमेंट वहां पे आपको प्रॉमिस कर रही है कि इस पेपर नोट की 50 रुपए वैल्यू है या उसमें जितना प्रिंट है वो वैल्यू उसकी है। ठीक बात। तो मनी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली कोई भी सामान लेने या देने के बदले में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी मेरी बनती कब है, जब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देती है, गवर्नमेंट उसको कह देती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस चीज की इतनी वैल्यू है, तब वो हमारा मनी बन जाता है। हमारे इंडिया कंट्री में जो मनी प्रिंट होता है या जो मनी मेरा मार्केट में आता है जिसको हम इशू करते हैं, इसको इशू करने के पीछे एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होता है हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में दो चीजें होती है, 115 करोड़ का गोल्ड होता है और 85 करोड़ का कैश होता है। यानी कि आपकी कंट्री में अगर आपको मनी इशू करनी है तो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व आपके पास होना चाहिए, कम से कम 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। और उस मिनिमम रिजर्व में से 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ के कैश होने चाहिए। तो ये जो मेरा रेशियो होता है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि एटलीस्ट हमारी कंट्री में इतना रिजर्व तो अवेलेबल होना ही चाहिए। इसके बाद एक और फिलोसफर है जिन्होंने मनी की एक और डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन क्या थी, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जो पैसे की तरह काम करता है। पैसे की तरह काम करने का मतलब क्या हो गया,
जिसके बदले में हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं या जिसके बदले में हम कोई भी सामान बेच सकते हैं। ठीक बात। तो मनी सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि मनी हमारा एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब बन जाता है जब गवर्नमेंट इसको ऑथराइज कर दे। एक चीज और सुन लीजिए कि जो हमारी मनी होती है, इस मनी में जो हमारा एक रुपए का नोट होता है, जो एक रुपए का नोट होता है वो हमारी कंट्री की पहली करेंसी है। एक रुपए पहली करेंसी होगा, तो हमारी कंट्री की जो पहली करेंसी है यानी एक रुपए जो करेंसी है वो इशू करता है मेरा फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इशू करेगा किसी भी कंट्री की पहली करेंसी को। उसके बाद 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जो भी अमाउंट होगा वो इशू करेगा मेरा आरबीआई गवर्नर। पहली करेंसी इशू करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद की जो भी करेंसी होगी वो इशू करेगा मेरा आरबीआई गवर्नर। इसीलिए जब हम लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, और वहीं जब हम लोग 1 रुपए का नोट देखते हैं तो उसमें सिग्नेचर होते हैं मेरे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक बात, इतना समझ में आ गया। अब ये मनी की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या जरूरत था यार, सब कुछ बढ़िया चल रहा था क्या? जब तक मनी नहीं थी तब तक काम होते नहीं थे? बिल्कुल होते थे, सब लोग काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या जरूरत थी पैसा लाने की? तो पहले जमाने में क्या होता था, यानी कि जब हमारे ब्रिटिशर्स नहीं थे, ब्रिटिशर्स से पहले क्या होता था, या बहुत टाइम पहले हमारे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, सामान के बदले में सामान देते थे। जैसे मुझे शूज चाहिए, आपको बुक्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको बुक्स चाहिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बुक्स चाहिए, मुझे शूज चाहिए। मैं आपके पास, हम लोग मिले, भैया यार बुक्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा बुक तो है, मुझे शूज चाहिए। आपने कहा मेरे पास शूज है। तो एक पर्सन के पास बुक है उसे शूज चाहिए, एक पर्सन के पास शूज है उसे बुक चाहिए, दोनों ने अपने सामान को आपस में एक्सचेंज कर लिया, ट्रांजेक्शन हो गया। मैं खेती करता हूँ गेहूं की, आप खेती करते हैं चावल की, मैंने उगाया गेहूं आपको दे दिया आधा, आपने आधा चावल मुझे दे दिया, अब मेरे पास गेहूं चावल अवेलेबल, आपके पास भी गेहूं चावल अवेलेबल, सब कुछ बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले हमारे कंट्री में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ये एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द, जो गुड्स है मतलब सामान के बदले में जो सामान का लेन देन है, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग और सीसी इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। सीसी का मतलब है कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, यानी सामान के बदले में सामान जो हमारा होता है वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। और यही बार्टर सिस्टम हमारा मेन रीजन था हमारे मनी के ओरिजिनेट होने पे। तो द मेन रीजन टू ओरिजिनेट इज बार्टर सिस्टम। तो हमारा मनी के इंट्रोड्यूस होने का जो मेन रीजन था वो क्या था? बार्टर सिस्टम था। क्योंकि पहले जमाने में बार्टर सिस्टम तो था, बार्टर सिस्टम की वजह से मनी आई। ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए मैं एक अलग से आपको बार्टर सिस्टम की एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में उसको कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें दिक्कतें थी और बहुत ज्यादा उसमें पॉइंट्स थे। तो फिलहाल लोग इस वीडियो में सिर्फ मनी के टर्म समझते हैं, बार्टर सिस्टम में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारा जो मेन रीजन था मनी को इंट्रोड्यूस करने का वो था मेरा बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम के बाद जब ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था, कुछ दिक्कतें आने लगी, तो फिर मेरी आई गोल्ड। फिर हम क्या करने लगे, सोने के बदले में सामान देने लगे कि भैया गेहूं दो सोना लो। जैसे पुराने राजा महाराजा आपने देखे होंगे, कुछ भी सामान होना था लेना होता था, सोने की मुद्राएं देते थे, सोने के मोटे मोटे बिस्किट होते थे, सिक्के होते थे, है ना, ज्वेलरी होती थी, मोती होते थे, वो सब दान में देते थे या वो सब के बदले में सामान लेते थे। तो पहले बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड आया, फिर सिल्वर आया, फिर एलॉय आया, फिर हमारा पेपर नोट आया, और प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जो जिस एरा में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं वो एरा है हमारा प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग सारा पैसा किसमें रखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फाइनेंस कार्ड, इन सारों में हम पैसा रखते हैं। तो शुरुआत कहां से हुई, बार्टर सिस्टम से हुई, उसके बाद गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, फिर सिल्वर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, फिर एलॉय जो हमारा एक वो होता है मेटल होता है, एलॉय मेटल, वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आया। उसके बाद हमारे पेपर नोट्स आ गए, जो 2, 3, 5, 10, 50 के जो पेपर नोट्स होते हैं वो आ गए, और प्रेजेंट जो हमारा एरा चल रहा है 21st सेंचुरी का, वहां पे हमारी प्लास्टिक मनी जो है वो हमारे ट्रेंड में आ गई। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं मनी से रिलेटेड। पहला है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है?
तो नाम से जैसा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, बैंक मनी है, मनी तो पता चल गया, पैसा, बैंक का मतलब क्या हो गया, जो पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है, यानी जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करके रखा हुआ है वो पैसा मेरा क्या कहलाता है, बैंक मनी। जैसे डेफिनेशन में भी है, इट रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, कि जो पैसा हमने कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे रखा हुआ है वो डिपॉजिट अमाउंट मेरा क्या कहलाता है, बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट इसको इसलिए बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट जो है वो डिमांड पे होता है, जब मर्जी होगी डिपॉजिट करेंगे, जब मर्जी होगी डिपॉजिट नहीं करेंगे, है ना। हम बैंक में जब चाहे तब पैसा जमा करें, जब चाहे तब पैसा ना जमा करें, कोई रोक टोक है, रोक टोक नहीं है हमारे लिए। तो वही चीज मेरी यहाँ पे भी है कि जो मेरा बैंक मनी है वो बैंक मनी जो हमारी है वो क्या होती है, कि हमने जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट पे रखा हुआ है, यानी मेरे सेविंग अकाउंट, यानी कि मेरे जैसे SBI का अकाउंट है, एक्सिस का अकाउंट है, बड़ौदा का अकाउंट है, ऐसे किसी जगह पैसा रखा है तो वो कहलाता है बैंक मनी। नेक्स्ट मेरा आता है हाई पावर्ड मनी। मेरी हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा पावर है इसमें, बहुत ज्यादा पावर का मतलब क्या हो गया, हम इससे सब कुछ कर सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी जो हमारी होती है वो क्या होती है, इट रेफर टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है, वॉल्ट कैश यानी वॉलेट पे जो कैश पड़ा हुआ है, और कैश रिजर्व जो पैसा हमने बचा के रखा हुआ है, यानी कि जो मेरा, इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय पे हमारी पब्लिक के पास जितना भी पैसा है, फिर वो चाहे कैश के फॉर्म में हो, बैंक में पड़ा हो, FD करा रखी हो, शेयर डिवेंचर ले रखे हो, बिल्डिंग में हो, लैंड में हो, कहीं पे भी हो, आपके पास टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है आपका मनी के फॉर्म में, वो अमाउंट आपका कहलाता है हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लोगों के पास जितना पैसा अवेलेबल है वो पैसा मेरा कहलाता है हाई पावर्ड मनी। ठीक, अब बात करते हैं इसकी सप्लाई के ऊपर, कि मनी सप्लाई क्या होती है, ठीक है ना, मनी सप्लाई होती क्या है। तो मनी सप्लाई नाम से क्या समझ में आ रहा है, मनी की सप्लाई करती, तो मनी सप्लाई जो होता है वो मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई मेरा क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें जो हम लोग बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या हो गया, मैं इस समय कितनी सप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आप लोग बाहर मार्केट, जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, आपने खाना खाया, अब आपके पास 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या आप रेस्टोरेंट में पूरे 10,000 दे आओगे, नहीं दोगे ना, आप क्या बोलोगे कि भाई 10,000 तो पड़े, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखो ऐसा है खाना यार 1,000 रुपए में निपटा लेना, इससे ज्यादा मत लेके जाना, जो भी खाने का बिल है वो 1,000 रुपए तक का ही रखना, ऐसे खाने ऑर्डर करना। तो आपने क्या किया, आपके पास टोटल कैश कितना है 10,000 का, बट आप उसमें सप्लाई करने के लिए कितना रेडी हो, 1,000 रुपए रेडी हो। तो वही मेरी यहाँ पे मतलब है कि जो मेरा मनी सप्लाई होता है वो ये होता है कि जितना पैसा लोग मार्केट में सप्लाई करने को रेडी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, कि उस समय आप कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हो, वो मेरी वॉलेंट्री एसोसिएशन मेरा क्या कहलाता है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री, कि उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनके पास टोटल मनी जितनी अवेलेबल है उसमें से वो कितनी सप्लाई करने के लिए रेडी है, जितना भी उनके पास पैसा है उसमें कितना वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो कॉन्सेप्ट मेरा कहलाता है मनी सप्लाई। ठीक, अब इसको सप्लाई किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो मेरा आता है, जो मोस्ट हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, वो मेरा आता है सी। सी का मतलब यहाँ पे है करेंसी। सी का मतलब क्या है, करेंसी। तो करेंसी का मतलब मेरे नोट्स, पेपर, कॉइन, ये सारी चीजें किस में आती, मेरी करेंसी में। दूसरा है मेरा यहाँ पे डीडी। डीडी का मतलब क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट।
अदर डिपॉजिट जो फिक्स डिपॉजिट में है, शेयर्स में है, डिबेंचर्स में है, बॉन्ड्स में है, या अदर किसी मोड ऑफ पेमेंट में डिपॉजिट के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वो मेरा अदर डिपॉजिट हो गया। तो जो मेरे कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है, यानी जिस जिस फॉर्म में हम मनी सप्लाई कर सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड किया। मेरे चार कंपोनेंट होते हैं, जिसमें M1 मेरा क्या होता है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, M1। फिर आता है मेरा M2। M2 में क्या होता है, M1 यानी कि M1 ये वाला जिसमें ये तीनों जुड़े होते हैं, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो हमने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखा हुआ है उसको जब हम जोड़ देंगे तो वो मेरा बन जाता है M2। ठीक है ना। M1 में क्या आता है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 में क्या आता है, M1 और पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग करी है वो मेरा आता है M2। नेक्स्ट आता है मेरा M3। M3 का मतलब क्या हो गया, M1 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, प्लस फिक्स डिपॉजिट, या इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। जो पैसा हमने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा किया है, मतलब हमने कोई पैसा जमा किया 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अगर हमने कोई पैसा डिपॉजिट किया हुआ है तो वो मेरा कहलाता है फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। तो अगर आपको M3 का कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या लोगे, M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट, या फिर इसको आप टर्म डिपॉजिट भी कह सकते। फिर आता है मेरा M4। M4 मेरा क्या होता है, M4 में लोग ऐड करेंगे M3, यानी कि M3 क्या हो गया, M1 और फिक्स डिपॉजिट। तो M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, कि हमने पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा डाला, हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग में डाला, हमने पोस्ट ऑफिस में FD करा दी, हमने पोस्ट ऑफिस में किसी अदर मोड में पैसा डाला, तो अगर हमने पोस्ट ऑफिस में किसी भी मोड में पैसा डाला है तो वो M4 में आएगा, और अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हम ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कि हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, इट रिफर टू द ट्रांजेक्शन विच कैन टेक प्लेस बिटवीन टू पर्सन फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, यानी कि इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। बार्टर सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जिसमें हम लोग सामान के बदले में सामान एक दूसरे को देते हैं। मतलब इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि भाई पहले तो मनी चलती ही नहीं थी, मनी जैसा पहले कुछ था, कुछ भी नहीं था, तो मनी के ना होने की वजह से, ना होने पर ही बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी क्या मतलब चीज क्या थी, उसमें सामान के बदले में सामान दिया जाता, यानी आपको जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में लिया, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखिए तो थोड़ा सा यहां समझ में आपको जल्दी आ जाएगा चीजें। अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना है, ठीक, मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे पास सर्विस है और आपको उस सर्विस की नीड है, ठीक है ना, और इस सर्विस के बदले में मुझे पैसा चाहिए, तो क्या होगा, आप मुझसे पढ़ोगे और मुझे पैसे पे करोगे, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो ये मेरा बार्टर सिस्टम में काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप मुझे बदले में पैसे दे रहे हो। लेकिन जब उस समय पैसा नहीं चलता था तो क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया, आपने बदले में मुझे गेहूं दे दिया, आपने बदले में मुझे अपने बदले में आपने मुझे क्लोथ्स दे दिए, आपने बदले में मुझे स्पाइसेस दे दिए, आपने बदले में मुझे रिटर्न में शूज दे दिए, आपने बदले में मुझे वॉलेट, बेल्ट या जो भी मेरे नीड का सामान था वो आपने मुझे प्रोवाइड कराया। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करते थे। आपको पढ़ाई चाहिए, मुझे वीट चाहिए, वीट यानी गेहूं चाहिए, तो आपने क्या किया, ठीक है सर आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा, हो गया बार्टर सिस्टम। मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे सामान दिया, या मैंने आपको शर्ट दी, बदले में आपने मुझे गेहूं दी, या आपने मुझे शूज दिए, मैंने आपको ब्लैंकेट दे दी, तो सामान के बदले में सामान बदल रहे ना। तो जिस सिस्टम के अंदर में हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का एक्सचेंजमेंट करते हैं, ये एक्सचेंजमेंट मेरा कहलाता है बार्टर सिस्टम। इस बार्टर सिस्टम को हम लोग CC इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CC इकोनॉमी। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमोडिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि बार्टर सिस्टम को हम लोग कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आता है बार्टर सिस्टम तो भी यही बताना है, अगर पेपर में आता है सीसी इकोनॉमी तो भी आपको यही बताना है, ठीक है ना। तो अब जब भाई सामान के बदले में सामान एक्सचेंजमेंट हो रहा है, जो मुझे चाहिए वो आप दे रहे हो,
जो आपको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, सब कुछ तो बढ़िया है, दिक्कत कहाँ पे आई? मुझे चाहिए आपने दे दिया, आपको चाहिए मैंने दे दिया, क्या प्रॉब्लम है? सब तो बढ़िया चल रहा है। नहीं, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो बाटर सिस्टम था उसमें कुछ दिक्कतें आना शुरू हुई, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। प्रॉब्लम्स आना क्या शुरू हो गई, पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल का मतलब दोनों जगह, कोइंसिडेंस इत्तेफाक, बॉन्ड मतलब इच्छाएं। बहुत कम ऐसे इत्तेफाक होते थे कि दो लोगों की जो इच्छाएं हैं वो आपस में कोरिलेट कर जाए, यानी कि बहुत रेयर चांसेस होते थे कि दो पर्सन की जो बॉन्ड्स हैं वो कोइंसिडेंस कर जाएं और आपस में वो लोग गुड एक्सचेंज कर ले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इट इम्प्लाइज दैट द टू इंडिविजुअल, क्योंकि एक्सचेंजमेंट कर रहे हो तो दो लोग चाहिए ना, तो टू इंडिविजुअल आर इन द पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोजेशन का मतलब अधिकार। दो इंडिविजुअल पर्सन जिनका अपने अपने गुड्स पे अधिकार है और विलिंग टू एक्सचेंज, वो आपस में गुड एक्सचेंज करना चाहते हैं टू सेटिस्फाई देयर बॉन्ड्स। यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में क्या था कि दो इंडिविजुअल पर्सन जिनका अपने अपने गुड्स पे अधिकार है वो अपनी इच्छा से गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी नीड या बॉन्ड को सेटिस्फाई करने। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेरा पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए के पास है शूज और बी के पास है राइस, ठीक है ना। ए ने कहा यार मेरे पास शूज तो है लेकिन मैं शूज को खा नहीं सकता, मुझे बड़ी दिक्कत होगी, मैं शूज कैसे खाऊंगा भाई, शूज पढ़ सकते हैं वो अलग बात है, खा थोड़ी सकते हैं शूज को। बी ने क्या कहा, यार मेरे पास राइस तो है लेकिन मैं राइस बेचने के लिए मार्केट में जाऊं कैसे, नंगे पैर कैसे जा सकते हैं भाई, चोट लग जाएगी पैर में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, तुम मुझसे शूज ले लो क्योंकि तुम्हें अपने पैर प्रोटेक्ट करने हैं, और तुम मुझे राइस दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने ये राइस दे दिए बी को और बी ने ये राइस दे दिए ए को। ए ने क्या किया, ए ने अपने शूज दिए बी को और बी ने अपने राइस दिए ए को, तो एक्सचेंजमेंट हो गया मेरे गुड्स का, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम चल रहा। लेकिन क्या हर बार ऐसा हो सकता, पता चले अगली बार ए को भूख लगी, कोई मिल ही नहीं रहा राइस देने वाला, वीट देने वाला, वो तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा, हो गया काम खत्म। लो तो बाटर सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने लगी कि बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को ढूंढना जिन्हें वही गुड्स चाहिए जो मेरे पास हो और उनके पास भी वो गुड्स हो जो मुझे चाहिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस बहुत मुश्किल हो रहा था समझने में कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो मुझे चाहिए वो सामने वाला देने के लिए रेडी हूँ और जो उसे चाहिए वो मैं भी देने के लिए रेडी हूँ, या मेरे पास हो वो चीज। तो इस वजह से जो बाटा सिस्टम था उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आने लगे। ठीक, अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, दूसरी दिक्कत क्या हो गई कि मेरे पास कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं थी, मैं जजमेंट किस पे दूं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताइए, आप जो जिस फोन में अपने जिस फोन में आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिस फोन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो फोन कितने का, आप बता दोगे सर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1,00,000, आप बता दोगे इजिली। क्यों? क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने मनी पे किया है। बट जब उस टाइम पे मनी नहीं थी तब कैसे बताऊं। अब यहाँ पे शूज के बदले में राइस मिल रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है, बता सकते हो? आपने एक पेयर शूज के बदले में उससे एक ट्रक राइस ले लिया, सही था, दिया क्या एक पेयर शूज, मतलब एक जोड़ी जूते दिए पहनने के लिए और बदले में एक ट्रक राइस का उतरवा लिया, ये कहां से इक्वालिटी कहां से हुई? जूते की वैल्यू और राइस की वैल्यू, एक ट्रक राइस की वैल्यू सेम थी? बिल्कुल नहीं थी। तो वही चीज थी कि हम यहाँ पे क्या था, वैल्यू मेजर ही नहीं कर पा रहे थे। आदमी एक पेयर शूज के देता था, ट्रक भर के राइस उतरवा लिए, अब वो तो बेचारा किसान तो भूखा मर जाएगा राइस के चक्कर में, क्योंकि उसके पास उसने तो सब तुमको दे दिया तो तुम बड़ा मस्त जी रहे हो। तो लोगों के पास दिक्कत क्या हुई कि वो जो गुड्स उनके पास अवेलेबल है उनकी वैल्यू ही नहीं मेजर कर पा रहे, ठीक है। तीसरी जो दिक्कत आई वो आई डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, गुड्स स्टोर करके बाद में उन्हें पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। आप क्योंकि आप एक रूम में 1,00,000 रुपए के गेहूं स्टोर कर सकते हो, एक रूम लगेगा लेकिन उसको, लेकिन वही 1,00,000 रुपए अगर नोट के फॉर्म में हो तो मस्त जेब में डाल के घूमोगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जेब में ऐसे रख लिया ऊपर 1,00,000 रुपए रखा हुआ है, अब तो 2,000 का नोट आ गया, 2,00,000 रुपए जेब में लेके घूम सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 2,00,000 रुपए जेब में लेके घूम रहे हो, लेकिन क्या 2,00,000 का सामान आप जेब में लेके घूम सकते हो?
नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि या तो सामान का साइज बड़ा होगा, या वो हैवी होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप 2 लाख का सामान जेब में लेके घूम सकते हो? नहीं घूम सकते हो। लेकिन आप 2 लाख रुपए जेब में लेके घूम सकते हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे क्या होगा कि आप गुड्स अगर हमने अपने पास रखे तो हम फ्यूचर में पेमेंट करें इसकी क्या गारंटी। मान लो बारिश हो गई, गेहूं खराब हो गया, चूहों ने काट दिया, लो तो भी खराब हो गया। तो गुड्स के साथ क्या था कि उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से या उनके डिफेक्ट हो जाने की वजह से हम फ्यूचर में उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वही मनी है तो भाई 1 साल 2 साल 50 साल बाद भी आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। तो मनी मतलब जो बार्टर सिस्टम था उसमें दिक्कतें क्या क्या आने लगी। पहला, 2 लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था जिनको सेम चीजें चाहिए हो। यूनिट ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज की वैल्यू ही नहीं बता पा रहे थे कि उसकी एक्चुअल में प्राइसेस क्या है। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम आ गई थी कि हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करें या किस तरह पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि मेरे गुड्स तो खराब हो जाते हैं। या दिक्कत ये भी है क्योंकि मुझे तो सामान अभी चाहिए ना, तो मैं फ्यूचर में लेके क्या करूंगा। मुझे अगर भूख अभी लगी है, मुझे राइस अभी चाहिए, तो मैं अभी लूंगा ना। अब आपको 1 महीने बाद देना तो क्या फायदा मेरा शूज देने का, फिर तो मैं भूखा ही मर गया। ठीक। लास्ट, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। हम गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए, वहीं राइस को स्टोर करने के लिए हमें छोटी जगह चाहिए, तो वहां पे वो चीजें हमारी दिक्कत कर रही। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा टाइप्स ऑफ मनी। जी हाँ, मनी जो हम लोग जेब में पैसा रख के घूमते हैं, नोट रख के घूमते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती है कि आपने जेब में नोट हो गए, कॉइन्स हो गए। सिर्फ पेपर नोट एंड कॉइन्स ही जो है वो हमारी मनी नहीं होती है। हमारे मनी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमारी जो मनी है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो मैंने टाइप्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे कुछ 8 टाइप्स ऑफ मनी मैंने कंसीडर किए हैं। आज हम लोग उस 8 टाइप्स ऑफ मनी यानी 8 तरीके की जो मनी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मनी से। टाइप्स ऑफ मनी की जो पहली मनी है वो है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब होता है वो मनी, मतलब जिस मतलब जिस चीज से वो बनी है। जिस चीज से बनी का मतलब क्या हो गया, मैंने उस मनी को जिस चीज से बनाया, मतलब जिस कमोडिटी का इस्तेमाल किया मैंने। अब वो हो सकता है गोल्ड से बनी हो, सिल्वर से बनी हो, प्लैटिनम से बनी हो, डायमंड से बनी हो, एलॉय से बनी हो, जिंक से बनी हो, कॉपर से बनी हो, ठीक है, लिग्नाइट से बनी हो, लेड से बनी हो, या किसी भी कमोडिटी से आपकी जो मनी फॉर्म होती है वो मेरी कहलाती है कमोडिटी मनी। बात समझ में आ गई? मतलब जिस चीज से मैं मनी बना रहा हूं, यहाँ पे मेरे जो वीट है, ग्रेन्स है, वो भी मनी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अनाज के बदले में सामान ले रहा हूँ तो मैंने अनाज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया, ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को मैंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया, तो वो फूड ग्रेन्स भी मेरे कमोडिटी मनी में आ जाएंगे। तो कमोडिटी मनी का मतलब क्या हो गया, इट इज अ मनी हूज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड। जिस कमोडिटी से वो बनी हुई है उस कमोडिटी की जो वैल्यू है वो मेरा कहलाता है कमोडिटी। ठीक है, अगर गोल्ड से बनाई है तो गोल्ड की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू की वो मनी हो जाएगी। सिल्वर से बनाई है तो सिल्वर की मनी हो जाएगी। वीट से बनाई है तो वीट, अब वीट का मतलब ये नहीं कि वीट को पीस के आप उसको एकदम रोटी की तरह बना के मनी दिखा दो, नहीं, जो वीट की वैल्यू है उस वीट की वैल्यू के इक्वल उसकी वर्थ हो जाएगी। ठीक है ना। तो जिस कम्युनिटी से आप अपनी मनी को बना रहे हो वो मनी मेरी कहलाएगी कम्युनिटी मनी। दूसरा आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का मतलब होता है जिस मनी को बनाने के लिए हमने मेटल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि गोल्ड का, सिल्वर का। तो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करके हम जो मनी बनाते हैं वो मनी मेरी कहलाती है मेटेलिक मनी। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा ही होगा, जैसे हम लोग कुछ यहाँ मूवीज के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में वो लोग गोल्ड कॉइन्स रख के सामान लेते हैं। ठीक है, या आपने बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक मूवीज देखी होंगी, या आपने ब्रिटिशर्स के टाइम की भी कुछ स्टोरी सुनी होंगी, तो उसमें कहा जाता था कि हम लोग गोल्ड कॉइन्स के बदले में सामान लेते थे। तो यानी कि जब भी आप मेटल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करके मनी फॉर्म करते हैं तो वो मेरी कहलाती है मेटालिक मनी। बात क्लियर हो गई। तीसरी मेरी आती है पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है जिस मनी को बैंक ने बनाया है और वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर कर रहे हैं। बैंक मनी जो मतलब जो पेपर मनी है, इस पेपर मनी को हम लोग यहाँ पे नोट, जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हम लोग नोट लेके चलते हैं ना, 10 का नोट, 5 का नोट, 50 का नोट, यही नोट्स मेरे कहलाते हैं पेपर मनी।
तो जो भी करेंसी मेरे पास पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होती है वो मेरे कहलाती है पेपर मनी। ठीक है, अब आता बैंक डिपॉजिट मनी। एक मिनट, पेपर मनी में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, एक पॉइंट इसमें है। पेपर मनी में क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट मेड बाय अ बैंक पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड। नेगोशिएबल प्रॉमिसरी का मतलब क्या हो गया? इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो 10 के नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100, 200, 500, 2000 तक के ऑप्शंस आपके पास कई सारे अवेलेबल हैं, जिसमें आप कम ज्यादा उनको कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ कहने का मतलब है कि पेपर नोट जो होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जब मेरा मन करेगा हम नई करेंसी इशू कर देंगे, जब मेरा मन करेगा हम नई पुरानी करेंसी हटा देंगे, या जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हम लोग करेंसी में एक्सचेंजमेंट भी कर सकते हैं। फिर आती है बैंक डिपॉजिट मनी। जो पैसा हमने सेफ साइड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करके रखा है, यानी मेरे पास जो भी मनी अवेलेबल है, अगर उस मनी को मैंने बैंक के पास जमा कर रखा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो वो मनी मेरी कहलाती है बैंक डिपॉजिट मनी। क्योंकि ना तो वो मेरे पास कैश के फॉर्म में है, ना मेरे पास फिजिकल टर्म में है, ना मेरे पास किसी भी टर्म में अवेलेबल है, वो मेरे बैंक में डिपॉजिट है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं बैंक डिपॉजिट मनी। क्लियर है? नेक्स्ट आती है फिएट मनी। फिएट मनी हमारी वो मनी होती है विच इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया है कि ये हमारी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे आते हैं नोट्स और पेपर कॉइंस एंड पेपर मनी। फिएट मनी हमारी वो मनी होती है जो कि हमारे गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करती है, गवर्नमेंट जिसको बोलती है कि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ मनी टर्म, जैसे कि मेरे क्वाइंस एंड पेपर नोट। अब इन क्वाइंस एंड पेपर नोट में क्या होता है, जो मेरे क्वाइंस होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि क्वाइंस का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही होता है। अब आपको एक के, दो के, पांच के सिक्के बहुत कम देखने को मिलते होंगे, बट वही 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो जो क्वाइंस होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, क्योंकि करेंसी बहुत छोटी होती है, उसको ज्यादा देर तक हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉइंस को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और पेपर नोट को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि इसको हम लोग मैनी मतलब मल्टीपल ऑफ इयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिएट मनी क्या होती है? द मनी विच इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट या विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द फिएट मनी। नेक्स्ट आती है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी हमारी वो टाइप्स ऑफ मनी होती है विच इज इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस। वो मनी जिसको हम लोग ट्रस्ट के बेसिस पे इश्यू करते हैं, मतलब वो मनी नहीं है, ना मनी जैसा कुछ है ना मनी है, बट फिर भी उसको हम लोग पैसे की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे कि चेक। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों ने स्कूल वालों को चेक साइन करके दे दी, स्कूल वाले चेक एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा है कि ये चेक क्लियर हो जाएगी और पैसा मुझे मिल जाएगा, तो सिर्फ वो भरोसे भी तो उन्होंने चेक ले ली है ना, भरोसे भी तो चेक ली गई, क्योंकि बाकी तो और कोई मीडियम है नहीं। तो वही चीज ये है कि जो मनी मेरी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट इशू की जाती है, जैसे मेरे बैंक, जैसे मेरे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारी चीजें जो है ये मेरे आते हैं फिड्यूशरी मनी, बिकॉज इट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है फुल बॉन्डेड मनी। फुल बॉन्डेड मनी का मतलब होता है जिसकी कमोडिटी वैल्यू, यानी जिससे वो बनाया गया है, अभी मैंने यहां बताया आपको, जिसकी कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है। फेस वैल्यू का मतलब कि उस पे जितना प्रिंट है, जैसे 10 का नोट होता है, 10 के नोट पे लिखा कितना है, 10 रुपए, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10। कमोडिटी वैल्यू का मतलब हो गया उसको बनाने में खर्चा कितना है। ठीक है ना, यानी कि उस पेपर नोट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो कमोडिटी वैल्यू कहलाएगा, और उस पे जितना प्रिंटेड है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे 2000 का नोट है, 2000 का नोट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और उसपे प्रिंट कितना है, 2000, तो फेस वैल्यू हो गई 2000 की, और उसपे बनाने में खर्चा कितना आया, हार्डली 2 रुपए या 3 रुपए का आया। तो फुल बॉन्डेड मनी का मतलब होता है कि आपकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती है। जैसे कि मेरा एक का सिक्का, एक का जो सिक्का होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, उसको बनाने की कॉस्ट और उसपे जो वैल्यू प्रिंट है, वो दोनों का खर्चा 1 ही रुपए है। तो जब दोनों का खर्चा 1 ही रुपए आता है, तो यानी कि ये क्या हो गई मेरी फुल बॉडेड मनी, जिसका बनाने का खर्चा और प्रिंटेड वैल्यू यानी फेस वैल्यू दोनों इक्वल अमाउंट पे है, वो कहलाती है फुल बॉडेड मनी। वही
जो मेरी क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी में जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी 2000 का एग्जांपल आपको दिया, 2000 का जो नोट होता है, 2000 के नोट में क्या होता है कि आपकी 2000 वैल्यू प्रिंट है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो 2000 की होगी, बट क्या उसको बनाने में खर्चा 2000 का आया होगा? नहीं आया होगा। तो उसकी क्रेडिट मनी, उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है कितनी होगी? 3 रुपए या 5 रुपए। तो कमोडिटी वैल्यू कितनी है? 5 रुपए की। फेस वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए की। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब आपकी कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी, और जब आपकी कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल वैल्यू। आई होप सबको क्लियर हो। हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मनी के फंक्शंस क्लासिफाई किए हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस। यहाँ पे जो मेरे मनी के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से बेसिस पे हैं? मेरे बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटी के बेस पे है, लीगल बेस पे है, स्कोप के बेस पे है, और लास्ट लिक्विडिटी के बेस पे है। तो ये कुछ मेरे यहाँ पे 6 फंक्शंस हैं, मतलब 6 बेसिस पे मैंने फंक्शन ऑफ मनी को डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम विद द फर्स्ट बेसिस, द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि हमारी जो मनी है उसके बेसिक फंक्शंस क्या है। बेसिक फंक्शंस का मतलब क्या होगा? जिसको आम तौर पे हम लोग करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम लोग करते हैं उसको बेसिक फंक्शंस बोलते हैं। बेसिक फंक्शंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटिंजेंट फंक्शंस। कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट। ठीक बात। सबसे पहले मेरा आता है प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस का मतलब होता है वो फंक्शंस जिनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं या डे टू डे लाइफ में जिनको हम लोग परफॉर्म करते हैं, और ये सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो इन चीजों को ना करता हो। ये चीजें मेरी आती हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये हमारी आती हैं प्राइमरी फंक्शन में। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? किसी सामान को परचेज करने के लिए हम लोग मनी से पेमेंट करते हैं। अब मुझे अगर ये चीज परचेज करनी है, गुड है मेरा, इसको मुझे परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा? सेलर को पैसे दूंगा, उससे बदले में ही सामान ले लूंगा। तो मैंने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया। तो प्राइमरी फंक्शन में मेरे मनी का पहला काम क्या होता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की एज अ एक्सचेंज के टर्म में ये इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या होता है? हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं। वैल्यू कैसे मेजर? आप कोई सामान लेने गए, डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा बार होता है, आप लोग सामान लेने गए, पूछा भैया ये शर्ट कितने की है? 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की है? ना ना ना, बहुत ज्यादा है, 600 रुपए देंगे। फिर वो कहता है भैया 600 कम हो गया, फिर वो कम होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, आप थोड़ा सा बढ़ते हो, एट लास्ट जाके 750 पे बात डन हो जाती है। तो जो 750 आपका अमाउंट था वो आपने वैल्यू निकाली ना, कि इस शर्ट की 750 रुपए से ज्यादा की वर्थ नहीं है, या 750 रुपए से ज्यादा की वैल्यू इसकी नहीं है। तो ये क्या हो गया इसका? ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू तो हो गई। तो हमने वैल्यू कैसे निकाली? क्योंकि मेरे पास मनी यानी कि रुपए का जो वैल्यू थी वो अवेलेबल थी, तो मैंने उसके टर्म में आपको वैल्यू बता दी। अब इन केस मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये अगर नहीं होती, मेरे पास मनी नहीं होता, तो क्या हम वैल्यू बता पाते? नहीं बता पाते हम, तो फिर शर्ट ले लेते और उसको बदले में कोई चीज दे देते, होता ना। तो मेरे मनी के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, यानी जो बेसिक फंक्शंस हैं, वो क्या है? पहला, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। ये मेरे 2 बेसिक फंक्शंस होते हैं मनी के। पहला जो था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दूसरा मेरा आता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। दूसरा क्या है मेरा? सेकेंडरी फंक्शन, मतलब और क्या क्या काम हम लोग करते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में पहला मेरा आता है फ्यूचर पेमेंट, यानी मनी को हम एज अ फ्यूचर पेमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, जैसे जनरल स्टोर होता है, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं, वहां पर हम लोग महीने भर का सामान घर में भरवा लेते हैं और 1 महीने बाद उनको पेमेंट कर देते हैं, करते हैं ना। या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज कर लेते हैं, 1 महीने बाद पेमेंट कर देते हैं। पोस्टपेड बिल, बिल पहले अपना सारा डेटा यूज कर लेते हैं, 1 महीने बाद उनको पेमेंट कर देते हैं, होती नहीं सारी चीजें। तो सेकेंडरी फंक्शन में जो पहला काम क्या है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट। यानी कि जो हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं वो मनी के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ गुड्स या इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम इट कैन नॉट बी पॉसिबल। बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूचर पेमेंट कर पाए, बट हमारा जो मनी टर्म है उसमें ये पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आप चाहें तो मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। हम लोग जेब में रख के चलते हैं ना, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, 10000 तक हम जेब में आराम से कैजुअली लेके
घूम लेते हैं। तो ये क्या आप स्टोर करके तो रख रहे हो? मनी को आप कितने टाइम तक भी स्टोर कर रहे हो, मनी कभी भी खराब नहीं होगी। आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक मनी स्टोर करके रखे रहो, मनी कभी भी खराब नहीं होगी। बट अगर आपने गुड्स स्टोर कर लिए तो हर गुड्स का एक लाइफ स्पैन होता है ना, कि वो 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा 5 दिन रहेगा 10 दिन रहेगा या महीने भर रहेगा। हर गुड्स की एक लाइफ स्पैन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। बट मनी की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो उसको हम कितने भी टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन में मेरा दूसरा कौन सा आ गया? स्टोर ऑफ वैल्यूज। ठीक, तीसरा आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें तो मनी का ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम लोग अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं ना, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर देते हैं, या सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, या फिक्स डिपॉजिट से सेविंग अकाउंट में ले आते हैं, करते हैं ना। तो मनी को हम लोग ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लेते हैं। बट इन द केस ऑफ गुड्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हम लोग गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उसे चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर उसे नहीं चाहिए तो फिर तो दिक्कत हो गई ना। और गुड्स को हर कोई मना भी कर सकता है, लेकिन मनी के लिए कोई आपको कभी मना नहीं करेगा। तो सेकेंडरी फंक्शंस मेरे कौन कौन से हो गए? ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि फ्यूचर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, और लास्ट मेरा स्टोरेज। ये तीन आपके फंक्शंस होते हैं सेकेंडरी। ठीक बात। थर्ड मेरा आता है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टेन। क्या होता है? अनसर्टेन, जो फिक्स नहीं हो, जिसकी कोई फिक्सिटी नहीं हो कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस फंक्शन को हम परफॉर्म करते ही हो, या ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि इस फंक्शन को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हो। तो कंटिंजेंट फंक्शन से मेरा पहला आता है क्रेडिट देना, यानी कि उधार देना। उधार रोज देते हो ना, कभी किसी को जरूरत पड़ गई तो दिया। उसमें भी सभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार देना पसंद नहीं करते, उसे आप मना कर देते भैया मैं उधार नहीं देता हूँ, चाहे कोई भी पैसा मांग ले, होता है ना। तो जो मनी का फंक्शन है कंटिंजेंट, यानी कि इट मे बी, तो जो क्रेडिट देना है, उधार देना, ये तो मेरी मर्जी ना, मैं चाहूं तो दू, चाहूं तो ना दू, तो ये क्रेडिट हो गया। दूसरा सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, गरीबों को पैसा देना, ये क्या होता है? ये भी मर्जी पे। कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते हैं। तो क्या हो गया? इट मे बी ना, इट मे बी अराइज और इट मे बी नॉट अराइज, इट मे बी हैपन और इट मे बी नॉट हैपन। तो वही चीज यहाँ पे है कि कंटिंजेंट फंक्शंस मेरे कौन से होते हैं, जो मेरे अनसर्टेन होते हैं कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑन द बेसिक फंक्शन मेरे कौन से हैं, जो मेरे जनरल फंक्शन है, वो तीन तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट। प्राइमरी जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। सेकेंडरी फंक्शंस जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहला फ्यूचर पेमेंट, बाद में पैसा दे सकते हैं, स्टोर वैल्यू, अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, एंड ट्रांसफर वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा आता है कंटिंजेंट फंक्शंस। कंटिंजेंट फंक्शंस हमारे वो होते हैं जो मे बी, इट मे बी, इट मे बी और इट मे बी नॉट, ये मेरे अनसर्टेन होते हैं, जो मेरे अराइज हो भी सकते हैं या मेरे अराइज नहीं भी हो सकते हैं। इसमें मेरा आता है क्रेडिट फंक्शंस और सोशल वेलफेयर, ये दो चीजें मेरी आती हैं कंटिंजेंट फंक्शंस। क्लियर हो गया सभी को? अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेसिस के ऊपर, जो है मेरा फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस का मतलब हो गया काम के अकॉर्डिंग जब हम मनी को डिवाइड करते हैं तो कैसा होता है। तो काम के अकॉर्डिंग, यानी मनी जो काम करती है उसके अकॉर्डिंग, हमने मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस। कौन कौन से हैं? स्टैटिक और डायनेमिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शन जो हमारा होता है वो कौन से होते हैं? जो फिक्स है, जो होते ही करने ही करने, मतलब करते ही है हम लोग, है ना। ऐसे फंक्शन जो हम लोग करते ही हैं, भले थोड़ा देर से करें, जल्दी कर दें, या थोड़ा सा टाइम लेके करें, बट उसको परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फंक्शन। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते ही करते हैं, स्टोर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज करते हैं, फ्यूचर पेमेंट करते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, इन सारी चीजों को हम लोग रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस का, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, जो चेंज नहीं हो सकता है। तो मनी के जो ये मैंने आपको काम बताए, 4-5 काम बताए, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, फ्यूचर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये चार फंक्शंस जो है ये स्टैटिक है ना, फिक्स है ना, ये तो करने ही करने, करते ही है हम लोग, तो वो स्टैटिक फंक्शंस कहलाते हैं। दूसरा मेरा आता है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस का मतलब कि ये करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों बेसिस पे चलते हैं। जैसे कंटिंजेंट था ना, सेम उसी तरह मेरा डायनेमिक होता है।
डायनेमिक में क्या केसेस हैं, यूज एज अ यूजफुल मनी, हम लोग पैसे को बहुत यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब बहुत इतना मतलब उसको सोच समझ के कहीं पे भी इन्वेस्ट करें कि हमें फायदा हो जाए, ठीक है, अपनी सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, आउटपुट इंक्रीज कर दें, मनी से और ज्यादा पैसा बनाए, इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करें, या सेविंग को कन्वर्ट कर दें इन्वेस्टमेंट में। तो ये सारे क्या डायनेमिक है, कुछ लोग होते हैं सेविंग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग पैसे से पैसा बनाना जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है डायनेमिक फंक्शन। कि डायनेमिक क्यों है, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डायनेमिक फंक्शन। अब इंक्रीज आउटपुट का मतलब क्या हो गया, अब क्या आपकी फैक्ट्री है तो क्या फैक्ट्री सभी की, सब क्या फैक्ट्री है, नहीं है ना, किसी का फैक्ट्री है किसी का नहीं है। तो जिनका है उन्होंने मनी का यूज एज अ इंक्रीज इन आउटपुट में किया, बट जिनका फैक्ट्री नहीं है वो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बेकार हो गया ना। दूसरा, क्रिएशन ऑफ मनी, मनी क्रिएट कौन कर सकता है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है वो मनी क्रिएशन जल्दी कर सकते हैं, तो अगर आप बिजनेसमैन है तो जल्दी कर पाएंगे, बट अगर आप सैलरीड पर्सन है तो क्या होगा, आपको तो एक फिक्स सैलरी आनी है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो सैलरी फिक्स ही रहनी आपकी, तो मनी क्रिएशन हुआ नहीं हुआ। तो वही चीज यहाँ पे है कि डायनेमिक फंक्शंस का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग इन्हें परफॉर्म करते हैं और इनमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल बेसिस पे, लीगल बेसिस का मतलब क्या होगा, जिसको कानून ने बोला हो, कानून की नजर में जो सही है या गलत है, ऐसी चीजें मेरी कहलाती है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस पे हमने मनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, लीगल टेंडर ऑफ मनी एंड नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर जिसको गवर्नमेंट ने बोला हो कि हाँ मैं ये वादा करता हूं कि ये एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी है और आप इसको पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन लीगल टेंडर का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने नहीं बोला है ये लीगल टेंडर है, बट हम लोग इसको एज अ मनी के टर्म में इस्तेमाल कर लेते, ठीक। लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट ने बोला है, तो गवर्नमेंट ने दो चीजों को बोला है, क्वाइंस एंड पेपर नोट। तो हमने लीगल टेंडर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो मेरा लीगल टेंडर ऑफ मनी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लिमिटेड और अनलिमिटेड। कौन सी चीजें हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड का मतलब हो गया क्वाइंस, अनलिमिटेड का मतलब पेपर नोट्स। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ही बताया था, लिमिटेड का मतलब क्वाइंस, क्योंकि क्वाइन मेरे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते हैं, आप इनको ज्यादा दिन तक अपने पास इकट्ठा करके नहीं रख सकते, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो क्वाइंस हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, वहीं जो पेपर नोट्स होते हैं वो आप कितनी भी करेंसी इशू कर सकते हो, तो इसीलिए ये हमारे कैसे होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऑफ मनी। तो लीगैलिटी के बेस पे दो चीजें होती है, लीगल टेंडर ऑफ मनी और नॉन लीगल ऑफ टेंडर मनी। लीगल टेंडर में आता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड जिनका टाइम पीरियड फिक्स होता है जैसे कॉइन्स, अनलिमिटेड जिनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है जैसे मेरे पेपर नोट्स। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो मेरे लीगल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको नहीं बोला है कि वो लीगल है, गवर्नमेंट नहीं मानती है बट हम लोग मानते हैं। जैसे चेक, चेक में कहीं गवर्नमेंट लिखा रहता है, गवर्नमेंट के साइन होते हैं, मतलब आरबीआई गवर्नमेंट के साइन होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, गवर्नमेंट की कहीं स्टैंप होती है, कुछ भी नहीं होता है, बस हम उसको हमारे और आपके ट्रस्ट के बेसिस पे उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम आपसे पैसे के बदले में चेक रिसीव कर लेते हैं। तो चेक हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी है, बट उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मेरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप के मामले में, स्कोप के मामले में हमने मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। कौन कौन से हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। नैरो मनी का मतलब मेरा होता है जो मेरे कैश के फॉर्म में ही अवेलेबल हो। कैश के फॉर्म का मतलब करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ये चार चीजें, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो M1 प्लस M2। M1 और M2 जो मेरा है, M1 और M2 को हम लोग एज अ लीगल टेंडर ऑफ मनी, मतलब M1 और M2 को हम लोग एज अ नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब क्या हो गया कि जिसके कॉन्सेप्ट हमारे बहुत छोटे हैं और ये हमारे मनी के टर्म में ही हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास एज अ मनी टर्म में ही अवेलेबल है, जैसे करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। ये मेरे किस में आते हैं, नैरो मनी, क्योंकि इनका ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। करेंसी जो वही नोट और पेपर नोट है, डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट हो गया, अदर डिपॉजिट FD रिकरिंग, ये सारे मेरे अदर में आ गए, ठीक है ना। तो नैरो का मतलब क्या हो गया, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा हो, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हैं वो मेरी आती है
नैरो मनी में, दूसरा मेरा आता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी जिसका कॉन्सेप्ट बहुत फैला हुआ है, मतलब बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसका, इसमें हम लोग हर चीज ले लेते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, लोनिंग, क्रेडिट, एवरीथिंग। ब्रॉड मनी में हम लोग मनी, मनी एसेट्स, काइंड ऑफ मनी, लाइक ऑफ मनी, कुछ भी हो, बस अगर वो हमारा पैसे में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम लोग यहाँ ब्रॉड मनी में कंसीडर कर लेंगे। बट नैरो मनी में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लेते हैं जिनको हम लोग जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिनको हम जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं वो नैरो मनी, और जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिर चाहे टाइम ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे आते हैं ब्रॉड मनी। ठीक, नेक्स्ट मेरा आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड मतलब जिसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो लिक्विडिटी के बेस पे हमने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, लिक्विड मनी और नियर या काइंड ऑफ मनी। लिक्विड मनी का मतलब हो गया जिसको हम आसान, जो मेरी कैश के फॉर्म में ही अवेलेबल है, जो कैश ही है मेरा। लिक्विड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड मतलब जिसको हम तुरंत फ्लो करा सकते हो। तो तुरंत हम फ्लो किसको करा सकते हैं, पैसे को तो करा सकते हो, क्योंकि बाकी चीजें तो लोग एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट कैश तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो लिक्विड मनी का मतलब क्या हो गया, कैश। और मेरी नियर लिक्विड मनी या काइंड ऑफ मनी जो मनी की तरह होते हैं, जैसे चेक, सेविंग डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट, ये चीजें मेरी आती है काइंड ऑफ मनी। तो यहाँ पे मैंने 6 बेसिस डिस्कस किए हैं आपसे फंक्शन ऑफ मनी के बेसिस पे। पहला था बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, जिसके अंदर 3 टर्म थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट। दूसरा था मेरा फंक्शनल बेसिस, जिसमें थे मेरे स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शंस। तीसरा मेरा था लीगल बेसिस पे, जिसमें थे लीगल टेंडर ऑफ मनी, नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। पांचवा था मेरा स्कोप के बेसिस पे, जो थे मेरे नैरो स्कोप और ब्रॉड स्कोप। लास्ट था मेरा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें था लिक्विड मनी ऑफ कैश या फिर काइंड ऑफ कैश। तो आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीजें आप रह जाती हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।